डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथेट्री। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हम क्लास टेंथ का मैथ कर रहे हैं। आज हम इस एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया है हमने, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। तो क्या बता रखा क्वेश्चन नंबर 13 में, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल पे कोई भी ना एक लाइट हाउस है, ठीक है। सी लेवल यहाँ पे ये लगा लो, ये कोई भी एक है, क्या है, लाइट हाउस है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर सी लेवल पे कोई भी एक लाइट हाउस है। उसके बाद क्या बताया इसने, फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30° एंड 45°। दो शिप हैं, उनमें एंगल, और देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से होता है, टॉप से होता है। तो इस लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दो शिप का कितना है वो 30° और 45°। तो अभी हमें ये नहीं पता कि ये शिप कहाँ पे, तो अभी आगे पढ़ते हैं हम। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो यहाँ पे देखो, अगर पहली शिप यहाँ पे है तो ये क्या बता रहा है कि दूसरी शिप है ना इसके बिल्कुल पीछे है, और इसी लाइट हाउस पे सेम डायरेक्शन में, अपोजिट नहीं है। चाहे तो हम इस डायरेक्शन में ले ले, चाहे इस डायरेक्शन में ले ले, हमने एक शिप ले ली यहाँ पे, और जो दूसरी शिप है वो सेम डायरेक्शन में उसके जस्ट पीछे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, तो इनके ऊपर यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 45° का और 30° का। तो ये 30° एंड 45°, ठीक है, ये हो गया इसका ओरिजोनटल लेवल। ये एंगल बना रहा है 30° का और ये बना रहा है 45° का, ठीक है। ये एंगल बना रहा है 30° और ये बना रहा है 45°। अभी देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो ये 30° है, तो ये भी 30° हो जाएगा, और ये 45° है ऐसे, तो ये भी 45° हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अभी इसके बाद क्या बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमें इन दो शिप के बीच की डिस्टेंस बतानी है कितनी है, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं, क्या, ए बी सी डी। तो क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मतलब सी डिफाइंड करना है, ठीक है। तो सी डी कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो अगर हमें ये चीज़ चाहिए, तो पूरी ये जो बी डी है इसमें से अगर बी सी को, बी डी को निकाल के बी सी में से घटा देंगे तो सी डी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, बी सी माइनस इसमें, सॉरी बी डी नहीं, चल बी सी प्लस सी डी। ये जो बी सी है पूरा, ये जो बी डी है, ये बी सी प्लस सी डी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, सी डी चाहिए है। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी माइनस बी सी, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ से बी डी की वैल्यू निकालनी है और बी सी की निकालनी है, वो हमें इसमें खुद करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। अभी लेते हैं हम ट्राइंगल, कौन सी, ए बी सी। पहले तो हम ये वाले ट्राइंगल लेते हैं, फिर हम ये वाले ट्राइंगल लेते हैं। तो देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है इसका, ये इसका बेस हो जाएगा। तो है ना, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो किसे निकलेगा, 10 से। तो क्या हो जाएगा, 10 45° इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी और बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है,
75 और BC. तो यहाँ से 1045 कितना होता है 175 अपॉन BC. तो ये BC की वैल्यू कितनी आ गई 75 सेंटीमीटर. ठीक है, BC की वैल्यू तो निकल गई 75 सेंटीमीटर. अभी हमें क्या निकालना है, ये क्या BD निकालना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ABD ट्रायंगल लेनी पड़ेगी. तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, तो ABD में क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. तो क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD. तो 10 30 डिग्री कितना होता है, 10 30 डिग्री होता है √3 होता है, 10 60 डिग्री होता है √3. 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन BD. ठीक है, तो यहाँ से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75√3 सेंटीमीटर. तो BC की वैल्यू आ गई 75 और BD की वैल्यू आ गई 75√3 मीटर. तो हमें क्या चाहिए था, BC की वैल्यू चाहिए थी और BD की चाहिए थी, फिर हम CD के निकाल देते. तो अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट बना रखी थी हमने, इसमें BC की वैल्यू और BD की वैल्यू दोनों पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू BC एंड BD इन इक्वेशन फर्स्ट. तो ये क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल्स टू 75√3 -75. यहाँ से 75 को हम बाहर निकाल लेंगे कॉमन, ये बच गया √3 -1 सेंटीमीटर. तो ये CD की वैल्यू आ गई. तो यहाँ इसने CD, हमने CD निकाल लिया. तो हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू सिप्स आर ये, बिटवीन टू सिप्स आर 75√3 -1 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13. अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बता रखा है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, स्पोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो देखो, एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है. तो ये देखो, यहाँ पे ये है इसका, ये डायग्राम हमें दे रखा है बुक में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बना के बता रही हूँ. ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, एक 1.2 मीटर कोई भी एक लड़की है, ठीक है. तो वो क्या कर रही है, विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, वो एक है ना बलून को मूव कर रही है. वो यहाँ पे है, कितनी डिस्टेंस पे है देखो, ये यहाँ पे बलून है, ठीक है. कितने डिस्टेंस पे है ये, 88.2 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से है ये. ठीक है, तो ये है
यहाँ तक। तो अभी इसके आगे इसने क्या बता रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो गर्ल के आई यहाँ पे होंगे, तो यहाँ से ये क्या बता रहा है कि ये बलून के यहाँ पे देख रहा है, तो ये एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या बता रखा है इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये रिड्यूस हो जाता है, मतलब 30 डिग्री का ये जो बलून है ना, ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, ये बना है 30 डिग्री। हाँ, ये बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस टाइम के यहाँ पे ये डिस्टेंस पूछ रखी है इसने हमसे कि इन दोनों बलून, ये जो बलून यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है हमें कितनी है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी ये डिस्टेंस इसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो देखो अभी है ना, हम इसको पहले नाम दे देते हैं, क्या ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो देखो अगर ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 और ये भी 1.2। अगर ये 88.2 मीटर है पूरा ए ए डी, तो बी सी भी कितना हो जाएगा, 88.2। ठीक है, और डी सी ए बी के इक्वल, क्योंकि डी सी हो जाएगा ए बी के इक्वल, ए डी हो जाएगा बी सी के इक्वल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 88.2 मीटर। ठीक है, तो अभी देखो अगर ये पूरा, ये जो पूरा है, ये पूरी लाइन कितनी है, 88.2 मीटर, और ये इतनी है 1.2। तो अगर 82 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मैं कितना बचेगा, 87। तो ये इतना क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 87.2 नहीं आएगा, सिर्फ 80, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 88 में से, तो हमें सिर्फ इतनी डिस्टेंस चाहिए है, तो ये 87 हो जाएगी। और ये भी क्या हो जाएगी, ए डी भी क्या हो जाएगा, ए डी और बी सी हो जाएगा फिर 87 मीटर। ठीक है, ये भी इतनी 87 मीटर हो जाएगी। इतना हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, हमें ए बी निकालना है, फाइंड ए बी। ठीक है, तो अगर हमने डी सी निकाल दिया तो ए बी निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन सी लेते हैं, हम लेते हैं बी सी, ये जो बड़े वाले ट्रायंगल है ये लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी ई। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल है 30 डिग्री, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, तो क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन बेस कितना है, इस पूरा पूरी ट्राइंगल ले रहे हैं हम, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी की डिस्टेंस कितनी है, 87, तो ई सी 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू 87 ई सी। तो यहाँ से ई सी की वैल्यू कितनी आ गई, 87√3 मीटर, ये ई सी निकल गया। अभी हमें क्या चाहिए, ई डी और चाहिए, ताकि हम पूरे ई सी में से ई डी को घटा देंगे ना, तो डी सी आ जाएगा, और डी सी होता है ए बी के इक्वल, तो ए बी निकल जाएगा। अभी हम क्या लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल लेंगे जो क्या है, ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है, ए डी अपॉन ए डी, ए डी की वैल्यू क्या होती है, √3
एच इक्वल्स टू ए डी कितना है 87 और ए डी, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, ए डी की वैल्यू आ गई 87 अपॉन रूट 3 मीटर। ठीक है, तो देखो नाउ ई सी है वो क्या है, ई डी प्लस डी सी। ठीक है, ये जो ई सी है वो ई डी प्लस डी सी है। तो देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी सी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो वो कैसे निकल जाएगी, डी सी को तो यहीं रख लो और ई सी में से ई डी को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ई सी की वैल्यू कितनी आई है, ई सी की वैल्यू आई है 87 रूट 3 माइनस ये ई डी की वैल्यू आई है 87 अपॉन रूट 3। तो डी सी इज इक्वल्स टू रूट 3 को एल सी एम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 87 रूट 3 की रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 माइनस 7, तो यहाँ से ये हो जाएगा 87 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 261 माइनस 87 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से ये बन गया 174 अपॉन रूट 3, लेकिन हम इसके डिनोमिनेटर में रूट 3 नहीं रख सकते तो रूट 3 रैशनलाइज कर देंगे इसका, तो इसकी 174 रूट 3, रूट 3 रूट 3 की मल्टीप्लाई 3, तो ये कितने टाइम कटेगा, ये कटेगा 5 जा और 8 जा, मतलब 58 रूट 3 मीटर। तो मतलब जो डी सी की जो डिस्टेंस आई है वो आई है 58 रूट 3 मीटर। ठीक है, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था जो डी सी है, डी सी है ए बी की इक्वल है, अगर डी सी ये आया है तो ए बी की डिस्टेंस भी यही आएगी, तो ए बी इन दोनों के बलून के बीच की डिस्टेंस जो हमसे यही पूछ रखा था, तो हैंस ए बी इज इक्वल्स टू 58 रूट 3 मीटर, या हम लिख देंगे हैंस जो इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी है बलून ने इस टाइम के अकॉर्डिंग, एंड अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून कितनी है 58 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछना, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।